नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ प्रियंका। अनूपगढ़, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर मुंह पर मास्क लगाना बहुत जरूरी है। इसी संदर्भ में वाशेबल कपड़े के मास्क की भूमिका अहम है। इसी कड़ी में अनूठी पहल करते हुए भारत विकास परिषद स्थानीय शाखा द्वारा मातृशक्ति के सहयोग से मास्क बनाना शुरू किया गया, जिन्हें परिषद द्वारा लगातार बांटा भी जा रहा है। ज्ञानी देवी मिठिया, हेमलता नाकवा, गोमती गजराज, सुदीप कौर, सरस्वती नाकवा, कुमारी ज्योति, रीटा पिठिया, पूजा शेवकानी, दिव्या मिठिया, सीमा शेवकानी, हेमलता गजरा, निशा रानी, नीलम रानी नाकवा, ममता नाकवा, कुमारी कशिश, कलावती मिठिया, कौशल्या गजरा, सरोज चौधरी, कुमारी दीपांशी, कुमारी ज्योति आदि परिषद से जुड़ी मातृशक्ति सेवा के प्रति अपना कर्तव्य मानकर मास्क बना रही हैं। भारत विकास परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष राजेंद्र गौड़ तथा परिषद अध्यक्ष रमेश शेवकानी ने बताया कि परिषद सदस्यों के परिवार की महिलाओं एवं परिषद सहयोगी महिलाओं द्वारा अपने घरों में अपनी मेहनत और लगन से मास्क तैयार किए जा रहे हैं। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, हर कोई किसी न किसी तरह इस लड़ाई को जीतने में सहयोग कर रहा है। यह मातृशक्ति मास्क बनाकर कोरोना को हराने में मदद कर रही है। शेवकानी ने बताया कि घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य है। वैश्विक महामारी के फैलाव को रोकने के लिए मातृशक्ति के सहयोग से परिषद द्वारा निरंतर मास्क बनाकर स्वास्थ्य सेवा की दिशा में सार्थक कदम उठाए हैं। लालचंद नाकवा तथा अशोक मिठिया की देखरेख में लॉकडाउन के नियमों की पालना करते हुए घरों में रहकर मास्क बनाने का यह कार्य सुनियोजित तरीके से पूरा किया जा रहा है। लालचंद नाकवा तथा अशोक मिठिया ने बताया कि परिषद की सहयोगी मातृशक्ति ने टीम बनाकर जानलेवा बीमारी से लड़ने में अपनी जान की परवाह न कर हमारी सुरक्षा में लगे योद्धाओं, चिकित्सकों, पुलिस कर्मियों आदि को इस महामारी से बचने के लिए इन महिलाओं ने अपने घरों पर ही कपड़े से मास्क बनाकर परिषद सदस्य द्वारा वितरित किए।